गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ मैथ की 10.1 एक्सरसाइज का लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर पॉलीगन। इन जो आपको गिवन फिगर्स दी हुई हैं, इन कर्व्स में कौन सा कर्व जो है वो पॉलीगन है। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? वो कर्व जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बने हों, तो उनको क्या कहा जाता है? पॉलीगन्स कहा जाता है, सीधी लाइनों से जो बने होंगे। तो ये देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन है, इधर से भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये पॉलीगन है, इसलिए हमने इसको क्या किया, टिक लगाया। क्या ये पॉलीगन है? बिल्कुल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो ये पॉलीगन है। क्या ये है? नहीं है ये। क्यों? ये स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन ये देखो ना, ये सीधी लाइन थोड़ी है कोई, ये तो ये फिर पॉलीगन नहीं है। ये वाला पार्ट पॉलीगन है, ये है स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंड स्ट्रेट, तो ये पॉलीगन है। ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि कोई भी स्ट्रेट यहाँ पे लाइन नहीं दिख रही है आपको। ये भी पॉलीगन नहीं है, ये है पॉलीगन, ये देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंड यहाँ से भी स्ट्रेट, तो ये पॉलीगन है। ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं दिख रही होगी आपको। ये पॉलीगन है, बिल्कुल है, ये देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन और इधर से भी स्ट्रेट लाइन। ये भी है पॉलीगन, देख लो, ये स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, ये भी, यहाँ से भी, इधर से भी, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंड स्ट्रेट, तो ये पॉलीगन फिर है। ये पॉलीगन नहीं है, इधर तो कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, है ना। ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें, वो कहता है ड्रा सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। आपने अलग अलग साइजेस के सर्कल ड्रा करनी है, किन चीज़ों को यूज़ करके? एक बैंगल को यूज़ करके, बैंगल क्या होता है? चूड़ी। कैरम कॉइन यूज़ करो, कैरम बोर्ड खेलने के लिए वो जो कॉइन नहीं होते हैं उसके ऊपर जो गोल गोल उसकी कॉइन्स होती हैं, उनको ले लो और एक सर्कल ड्रा कर लो। एक रुपये के सिक्के को लेकर के, फिर एक बाउल लेके किचन से कोई कटोरी ले लेना, उसको रख के और उसकी पेंसिल से आउटलाइन ड्रा कर लेनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है, ये चीज़ें लेकर के आपने अलग अलग साइजेस के सर्कल ड्रा करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एक फिगर दी हुई है, ठीक है, एक सर्कल की फिगर है। तो इस फिगर में आपने क्या पहचान करनी है? सबसे पहले रेडियस की पहचान करनी है, डायमीटर की पहचान करनी है, सेंटर की पहचान करनी है और कॉर्ड की पहचान करनी है। लेकिन कॉर्ड एक ऐसा लिखना जो कि डायमीटर से अलग हो। डायमीटर भी सर्कल का कॉर्ड होता है, लेकिन आपने डायमीटर को नहीं लिखना है, उसके अलावा रेडियस लिखना है आपने, कोई भी एक। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे रेडियस हैं, ये देखो एक ओ ए है, एक ओ बी भी है, ओ सी भी है, कोई भी लिख सकते हो आप। ओ ए लिखो, ओ बी लिख लो या ओ सी लिख लो, हमने इधर एक ही लिखा हुआ है ओ ए। आप तीनों के तीन भी लिख सकते थे, ओ बी भी लिख सकते थे और ओ सी भी लिख सकते थे, ठीक है। तो रेडियस होता क्या है, चलो वो भी बता देता हूँ आपको। रेडियस याद से सुनना, दिमाग को ओपन रखो और बिठाओ भी दिमाग में। रेडियस एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल के सेंटर पे और दूसरा एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर हो, तो उस लाइन सेगमेंट को क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। जैसे देखो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सारे रेडियस हैं। क्यों? देखो ना, सबका एक एंड पॉइंट कहाँ पे है? ओ पे ही है। और दूसरा एंड पॉइंट अगर ओ ए को देखें तो इसका दूसरा एंड पॉइंट किसके ऊपर आ रहा है? सर्कल के ऊपर आ रहा है। ओ सी देखो, एक एंड पॉइंट सर्कल के सेंटर पे तो दूसरा सर्कल के ऊपर,
ओ बी देखो, एक एंड पॉइंट सर्कल के सेंटर से और दूसरा एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर, तो ये सारे के सारे क्या थे, रेडियस थे। डायामीटर, डायामीटर की डेफिनेशन समझ लो पहले कि डायामीटर होता क्या। डायामीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, ध्यान से सुनना।